नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवट न्यूज। खबर कैमूर से है। कैमूर जिले में आज से बस सेवा शुरू कर दी गई है, लेकिन कुछ नियम और शर्तों के साथ शुरू की गई है। लॉकडाउन में बस सेवा बंद होने के बाद आज बसों के लिए पर्याप्त यात्री नहीं मिल रहे थे। सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार बसों के परिचालन से पहले और यात्रियों को पहुंचाने के बाद प्रतिदिन बसों को सैनिटाइज करना है। सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। बिना मास्क पहने यात्रियों को नहीं ले जाना है और एक सीट पर एक ही यात्री फिलहाल बैठेंगे और उनसे किराया भी पहले की तरह ही लेना होगा। वहीं इस दौरान बस यात्रियों का क्या कुछ कहना है, देखें इस रिपोर्ट में। मानिया तक देना किस बार उस समय 30-35 सवारी हम ले जाते थे, सीट भरा, सीट से 2-4-5 खड़े। आज वही है कि सवारी नहीं, एक भी सवारी नहीं मिल रही है। बढ़ावना से हम लोग खाली आ रहे हैं, पूरा गाड़ी खाली लेकर आ रहे हैं। तो समस्या हो गई, समस्या है ना। आपका लॉकडाउन में जब गाड़ी बंद था तो खर्च कर कैसे चल? खर्च कर कभी अब काम करते थे, घर पे अपना बैठते थे, चाउर है वही बेच कर खाते हैं हम लोग, और क्या। और अभी सरकार से क्या मांग है आपका? अभी सुरक्षा हम लोग सरकार करेगा, हम लोग अपना सुरक्षा मांग रहे हैं। गाड़ी में सवारी कैसे बैठने के लिए कर रहे हैं? मास्क लगा कर बैठाएंगे, एक सीट पर एक आदमी बैठाएंगे। हाँ, अभी तक भी मास्क नहीं लगाए? लगाए लिए हैं ना। हाँ, अपने मास्क लिए हैं। लगा लीजिएगा जब सब गाड़ी चलेगा तो। हाँ, क्या नाम है आपका? राजू कुमार यादव। जा रहे हैं, मोहनिया जाना है। जी, कितने देर से आप बस में बैठी? 10 मिनट हो गया। बस में तो सवारी नहीं है तो क्या लोग बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं, सवारी मिलेंगे तो चलेंगे। इसका कोई टाइमिंग नहीं है ना? जी, अभी तो कोई टाइम नहीं है। मास्क वगैरह लगाने के लिए नहीं लोग बोला है? जी, बोले हैं, लगाए तो नहीं है अभी। बच्चे का तो सैनिटाइज कराए हैं लोग? जी नहीं। क्या नाम है? मनीषा पांडे।